हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम खेल रहे हैं डेथ ट्रिगर 2। और भाई ये एक जोम्बी सर्वाइवल गेम है, और इसके अंदर आपको सर्वाइव करके यहाँ से बाहर निकलना होता है। और यहाँ पे जो एक सिटी है पूरे वायरस का शिकार हो रखी है, तो हमें इस सिटी से बाहर निकलना होता है। और कुछ जने ही हैं जो इसके अंदर वायरस का शिकार नहीं हुए हैं, तो उन्हें बचाना है और ख़ुद भी बच के यहाँ से निकलना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा कैरेक्टर जो अभी हमें खेलना सिखा रहे हैं कि भाई ये करो, इधर जाओ उधर जाओ। तो पहले देख लेते हैं और ये बैक करते हैं फटाफट, और यहाँ से देखते हैं कि ये कह क्या रहा है। तो भाई ये राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड से ये बता रहा है कि कैसे कैसे हमारा प्लेयर मूव करेगा। तो चलो आगे साइड देखते हैं। और ये ग्रीन लाइट चमक रही है, तो हमें यहाँ पर जाना है। और वाटर सम वाटर बिगिनिंग मी सम कुछ ऐसे ही आ रहा है नेविगेशन। और हमें भाई ये ग्रीन लाइट है, यहाँ पे जाना है। और फटाफट चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। ऑब्जेक्शन कंप्लीट आ चुका है। और यहाँ पे भाई हमें एक एरो दे दिया है जो कि हमें बताया कि भाई हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो भाई हमें एक ये पता नहीं क्रोबार कुछ खोलने के लिए है, लेकिन भाई हम इनकी खोपड़ी खोलेंगे। और भाई एक ज़ोंबी दूसरे को खा रहा था, या फिर भाई ये इन्फेक्ट नहीं था तो इससे इन्फेक्ट कर रहा था, लेकिन भाई ये मर चुका है। और ये देख सकते हो यहाँ पे ये मिल्खा सिंह आ चुका है, जो कि शायद हमें अभी इसने नहीं देखा है और कुछ देर में वो देख ही लेगा। तो भाई ये हम ग्रीन लाइट का पीछा कर रहे हैं, और हमारा एरो भी कुछ इसी साइड जाने के लिए कह रहा है, तो हम इस साइड आ रहे हैं। और भाई ये लिफ्ट सा था लेकिन हम जा नहीं पाए, और भाई मैं नीचे की साइड गिर गया। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें नीचे वाली लिफ्ट मिल गई है, तो हम फटाफट ऊपर की साइड चलते हैं। तो भाई ये हम ऊपर की साइड आ चुके हैं, और यहाँ पर भाई ये क्या कर रहा था हमारी जगह में, ये क्या कर रहा है। तो ठीक है, और ये इस साइड आ चुके हैं, और पता नहीं इसमें अभी कुछ समझ तो है नहीं रहा, बस भाई हमें बचाना है। तो भाई इन्होंने हमें एक गन दे दिया, और भाई इनकी तबाही देखो, इनका कैसे अब टाट फोड़ेंगे। तो भाई इसके टांग निकल। और यहाँ पे सारी लड़कियाँ ही भीड़ लगा रखी हैं। अरे भाई ये शीशे के पीछे की गोली पीछे से चल रही है, पीछे देखो। ओ भाई एक यहाँ पर गर्ल आ चुकी है, शायद ये भी हमारे टीम की ही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें कह रही है इसके पीछे जाना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम सेफ़ रखेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारी टीम में दो मेंबर हो चुके हैं, अब देखते हैं हमें तीसरा मेंबर भी मिलता है या फिर नहीं। तो भाई हम दो मेंबर हो चुके हैं, और थोड़ा गेम अब ईजी हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि भाई दो जने हैं तो काफ़ी तबाही मचा देंगे यहाँ पर। और भाई ये इतने धीरे धीरे गन क्यों चला रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये यहाँ पर मजाक हो रहा है नहीं। और ये भाई ज़ोंबी आए जा रहे, मैं सोच रहा हूँ कि इसे ये जो भी ये नट बोल्ट खोलने वाला है इससे मारूं, लेकिन अभी गन मिली है तो इसका यूज कर ही लेते हैं। तो भाई ये जो भी था लिफ्ट, ये नहीं, ये शटर था, ये शटर डाउन हो चुका है, और ये लड़की है जो इसे ठीक कर रही है। तो हमें इसे देखना है कि आसपास कोई ज़ोंबी आए तो अटैक ना कर दे। तो ये ज़ोंबी आना स्टार्ट हो चुके हैं, और ये भाई एक एक करके सबको मारेंगे और यहाँ से निकलेंगे। तो भाई यहाँ पे पाँच छः तो निपट गए, अभी भी काम जारी है, तो देखते हैं और कोई बचा है या नहीं। भाई ये गए, और हमारा शटर खुला, हाँ हमारा शटर खुल चुका है, और हमें ऊपर की साइड जाना है। और देख रहा हूँ मैं पीछे की साइड ज़ोंबी आ रहा है या नहीं, कवर दे रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन आ तो रही है नहीं। पर फील अच्छा आ जाता है इससे कि भाई जैसे कि रियल लाइफ गेम खेल रहे हो, तो थोड़ा बहुत आप भी ट्राई करा करो रियल जैसा खेलने का, जैसे कि आपको मज़ा आए। तो भाई यहाँ हम बाहर एग्जिट करने वाले हैं, लेकिन भाई ये जो भी छत सा है इसने कहा छुप जाओ, मैं भी कहूँ क्यों छुप जाएं। और ये देखो भाई मिल्खा सिंह यहाँ पे नीचे झाँक के देख रहे हैं दूसरों के घर में, और यहाँ पर मैं फायरिंग पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा, बस इसकी शक्ल देखो तुम, बिल्कुल ये हमें ही ढूँढने की कोशिश कर रहा है। तो भाई ये इस जाली के नीचे से तो निकल गई, अब मैं कैसे निकलूँगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कोई बटन तो शो हुआ नहीं जिससे मैं स्लाइड करके निकल जाऊँ। तो भाई यहाँ पे एक ये पटरे से तो, और ये लो भाई मैं नीचे की साइड आ चुका हूँ, अब मेरे को घूम के ऊपर की ओर जाना होगा। और भाई देखो कितने सारे ज़ोंबियों को मारना पड़ेगा, ये ज़ोंबी मेरे को ही मार देंगे। तो भाई यहाँ पर ये रेड कलर का था, भाई इसे फोड़ दिए, ब्लास्ट हुआ और यहाँ पर ज़ोंबी मर गए। और ये ऊपर की साइड से आए जा रहे हैं, तो अब भाई क्रोबार का ही इस्तेमाल करेंगे, और बस एक दो और ज़ोंबी ढिलाए फिर क्रोबार को इससे ही मारेंगे। बहुत हो गया ये गन और गन की एमओ। तो भाई ये क्रोबार काफ़ी सही है, एक दो में ही मुंह तोड़ देता है इसका। तो भाई हमें एमओ बॉक्स मिला है, तो यहाँ पे पहले अपना रिलोड कर लेते हैं, और हमारा 100% फुल हो चुकी है एमओ।
और भाई ये भी गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई उसका इस्तेमाल कर ही लेते हैं, तो फटाफट इस्तेमाल करते हैं और इनका मुंह तोड़ते हैं, बिल्कुल उनका जबड़ा हिला देंगे हम। और ये गई भाई, ये सारी लड़कियाँ ही आ रही है। ये आ गया भाई इनका बॉस, बॉस नहीं था, था नॉर्मल बंदा ही, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और भाई हमें छत पे जाना है, तो भाई ये तो खुल नहीं रहा, तो भाई इसे टूट भी नहीं रहा है, तो देखते हैं नीचे की साइड हमें कुछ मिले जिससे इसकी चाबी मिले और हम इस चाबी से एग्ज़िट करें। तो भाई चाबी तो है नहीं, तो नीचे की साइड चेक करते हैं कोई तो मिले। और ये भाई देखो दीवार तोड़ के मारने के लिए आ रहे हैं बिल्कुल। और ये भाई अपने आप गिर गया, और भाई इसका पिछवाड़ा चमक रहा है। ओ तो हमें इसकी चाबी मिल चुकी है, और इसके पिछवाड़े में टांग रखी थी इसने, तो हमने उससे ले ली है। और ऊपर के साइड चलते हैं और देखते हैं। ओ भाई अब इसको क्रोबार से मारूंगा, चल निकल इधर से। क्रोबार नहीं है ये, पता नहीं क्या है ये नट बोल्ट कसने वाला, इसका नाम नहीं पता। आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और भाई हमें उस कार के पास जाना है, वो लड़की हमें बुला रही है, तो फटाफट से चलते हैं और यहाँ से स्केप करते हैं। और भाई ये आ चुके हैं, और ये हम गाड़ी से निकल रहे हैं। और ये भाई मिल्खा सिंह ने हमें देख लिया और हमारी गाड़ी को शायद ये फोड़ देगा, लेकिन हम बच गए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसे लगी।